गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल चाल। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। चले जी, मैं सुरेंद्र सुरेंद्र राव सबसे पहले आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आप अपने परिवार के साथ बहुत अच्छे से दिवाली मनाएं, बहुत ज़्यादा पटाखे न जलाएं और प्रदूषण ना करें, शांतिपूर्वक दिवाली मनाएं और आप सभी की दिवाली बहुत अच्छी गुजरे। तो चलिए जी, आज भी अभी हम मलयासु में हैं और सुबह की 8 बज चुकी है और अब घर जाने की तैयारी हो रही है। जितने भी मेहमान यहाँ आ रखे थे उनमें से कुछ तो चले गए हैं और कुछ हम लोग रह गए हैं। अभी यहाँ पे नाश्ता चल रहा है और नाश्ता करने के बाद हम लोग भी चलते हैं अपने अपने घरों के लिए। तो ये रहा सुबह सुबह का नज़ारा यहाँ पे। तो कल तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड थी और सारे लोग जो आ रखे थे वो तो कल चले गए थे, लेकिन अभी सुबह सुबह भी बहुत सारे मेहमान चले गए हैं। हमारे गांव से भी कुछ लोग आए थे, वो भी चले गए हैं और कुछ लोग अभी यहाँ पे नाश्ता कर रहे हैं। और ये रहे जिया जी और ये हैं अभी टीचर जूनियर हाई स्कूल में। और ये लोग भी जा रहे हैं अभी घर और आगे रोड तक हम सब साथ जाने वाले हैं। और बाकी यहाँ पर लोगों का नाश्ता चल रहा है, ये सब्जी भी अभी बनाएगी और इधर भी खाना बन रहा है। भाभी जी यहाँ पे नाश्ता बना रहे हैं और हम लोग चटपट कर रहे हैं। तो भाभी जी कब जा रहे हो आप? 3 तारीख को हैं? अच्छा, तो यहाँ पे तो भाई नाश्ता तैयार हो रहा है और हम लोग भी अब यहाँ पे सब्जी लेते हैं, रोटी लेते हैं, गर्मा गर्म नाश्ता करते हैं। और ये कौन है? ये पता नहीं कौन है, हम नहीं जानते इसको। ये हमारे बड़े भाई की लड़की है, बबलू भाई की लड़की, और ये 10वीं क्लास में पढ़ रही है। नहीं, हाँ 3 में पढ़ रही हूँ मैं। 3 में पढ़ रही है? इतनी बड़ी 3 में? हाँ। क्या बात कर रही है? मैं झूठी बोलती हूँ। ये 3 में पढ़ रही है। नाम क्या तेरा? वंशिका। ये कितने भाई बहन हो? 3। सबसे बड़ी कौन है? गोपी सो रही है भैया अभी। अरे ये उठ गई है अंशिका। चलो वंशिका। अरे मेरी दीदी है प्योली दीदी, और प्योली दीदी भी अभी जा रही है। और ये देखो माँ भी तैयार हो गई है घर के लिए। खानू वाली तू खा लूंगा। तूने खानी? मैं खा लूंगा। अच्छा, अरे देखो एक चुलबुली ये है प्योली दीदी की लड़की मानसी, कटोरे में चाय पी रही है। और ये कटोरे में चाय पी रही है, सपोड़ा सपोड़ी सपोड़ा सपोड़ी लगी है। तो एक किचन ही है यहाँ पे, ये वाला तो है गैस वाला किचन और वो जहाँ रोटी बन लेती है चूल्हा वाला, लकड़ी वाला सॉरी। तो कैसे लग रही है चाय? मैंने बनाया थी, बनाई थी ना मैंने, और तू लेने के लिए गई थी किचन में ना। मीठा हो रहा है? क्या लाऊं? शुगर? अरे चोरी चोरी करके बिस्कुट खा रही, क्या खा रही? डिस्पोजल की चोरी कर रही है ये गोपी। और इसको कह रही है कि ये सूर्य की है। हाँ भाई गोपी, ये कह रही है सूर्य की। तू अभी तक सोई रखी थी। गोपी कौन सी क्लास में पढ़ रही? 6th में पढ़ रही गोपी। और ये कौन है? ये कौन है? ये वो इंसान है जो बोलता ही नहीं है। ये बोलता नहीं है? कम बोलने वाले लोग तो पसंद है मुझे। क्या हो गया? आंखें खोल भाई। हेलो, इसका नाम क्या है? देविक। देविक शक्ति है इसके शरीर में, देखो देविक शक्ति आ सो रहा है। इसी का नाम है देविक। और जिया जी भी हो गए भाई तैयार। हाँ ये प्योली दीदी है और ये हैं जिया जी। दीदी कब हो गए तैयार? अब नहीं उड़ जे? हाँ अंदर है, अंदर। जस्ट आधे घंटे में हम लोग यहाँ से निकल लेंगे। और यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर पैदल है यहाँ से सड़क जाने में। तो चलिए जी नाश्ता करते हैं। और नाश्ते में ये देखिए आलू बनी हुए हैं यहाँ पे, और रख देते भैया आलू।
ये है गर्मा गर्म रोटी फूली वाल दिया वाह ये। तो चलिए जी रोटी खाते हैं सुबह सुबह। थोड़ा पास जाओ बेटा वहाँ से बहुत दूर जी कलो गिरे गिरे किसके है आराम से जा रहा हूँ तुम क्या तुम्हारे मजे से जा तो भाई अब यहाँ पे सब की विदाई चल रही है। ये मानसी को भी लगा भाई पिठाई तो सबको पिठाई लगाई जा रही है। यहाँ सारे लोग तैयार हैं मेहमानों को भेजने के लिए। तो आज दिवाली भी है यहाँ पे लक्ष्मी पूजा। चले जी यहाँ से हम लोग भी चलते हैं घर और एक फ्योली दीदी भी जा रही है। तो सूर्योदय भी हो गया है धूप भी लग गई और हम लोग अब निकल रहे घर के लिए। सुबह सुबह बाइक से जाने में बहुत दिक्कत होती है आजकल क्योंकि आजकल ठंड बहुत ज़्यादा होती है तो धूप लगने के बाद ही बाइक में आजकल चलना चाहिए लेकिन मजबूरी बस हम लोगों को सुबह सुबह भी निकलना पड़ता है। चलो चल यार ठीक है बाय। चलिए जी हम लोग भी चलते हैं। अभी फिलहाल तो हम ताई जी के घर में हैं। ताई जी ने दिन के लिए यहाँ पे दोपहर के लिए यहाँ पे दाल भी रख दी चूल्हे में। भाई मैं गिफ्ट दी थी तो ऐसे भगवान गिफ्ट दे दिया तू मैं भाई क्या हूं हो ये ले आयो मैं तो बैठो नाम नहीं आवा तो बिल्कुल वे वाह इधर तो लाते पके रे ले तेरे को आदर यार आ रही वाह मैं ना रहा बिल्कुल वही वाह। तो अब फिलहाल यहां से सारे मेहमान चले गए हैं और हम लोग सबसे पीछे हैं अभी। और यहाँ पे ताई जी के लड़के की शादी हुई है करंट में कुछ ही दिन पहले। ताई जी उम्र कितने हो ले बाले कितने उम्र हुए जति हुआ वो भी जहाँ हुएगी मेरे बाप से बड़ा दिन तुम्हें छोटा ना छह महीने कहाँ सो इका था मेरे बाप से तेरे बाप जो दे रहा मैं सूझ जी लो छह महीने कहाँ सो मैं सच्ची वहाँ तो आज ज्यादा उम्र कितने हुए सात और पाँच गए हाँ। तो यहाँ पे भाभी जी भी मेहमानों को विदा कर चुकी है यहाँ से और अब हम लोग हैं सबसे पीछे। तो ये जेठी माँ के बड़े लड़के की वाइफ है और अभी हम लोग भी जा रहे हैं और भाभी जी भी अब कल एक दो दिन बाद रुद्रप्रयाग चले जाएंगे। हम लोग पहुंच गए हैं ऐतुन और ये दीदी लोग यहाँ पहुंच गई हैं पुल के इस किनारे जहाँ पे बहुत समय पहले
एक दीदी की दुकान हुआ करती थी, जो ताई जी मैंने अभी दिखाई उनकी लड़की की दुकान, इसी पीपल के वृक्ष के सामने। लेकिन अब ये दुकान नहीं है यहाँ पे, इसके सिर्फ निशान बचे हुए हैं। और ये झूला पुल, यहाँ पर पहले पुराना झूला पुल हुआ करता था, लेकिन वो इस साइड हुआ करता था। अब ये बड़ा झूला पुल बनाया गया है, और यहाँ से ऊपर रोड तक जाने के लिए हमें पैदल जाना पड़ेगा। और मैंने अपनी बाइक थोड़ा नीचे ला रखी है, लेकिन जो रास्ता है वो भी गंदा बना रखा है। तो यह मल्यासु गांव बसा है अलकनंदा नदी के किनारे, और ये देख सकते हैं आप झूला पुल। और जो यहाँ से हमारे साथ मेहमान जा रहे हैं अपने अपने घरों के लिए, वो इस झूला पुल से होते हुए जा रहे हैं अब ऊपर सड़क के लिए। और ये जो अलकनंदा नदी है, यही देवप्रयाग में भागीरथी नदी के साथ मिलकर संगम बनाती है, और उस संगम को गंगा कहते हैं। और उस तरफ देख सकते हैं हमारा महादेव का मंदिर, प्राचीन मंदिर है ये, और हम लोग पहले यहीं आया करते थे रुद्री करने के लिए। और यहाँ पे पहले बछड़े भी चढ़ाए जाते थे, और हमारा घर रहा ऊपर उस घाटी के ठीक ऊपर, जहाँ वो पहाड़ी है उससे भी थोड़ी ऊपर। तो हम लोग तो जाएंगे गाड़ी से होते हुए यहाँ श्रीनगर घूम के। दीदी लोग पहुँच गए हैं उस तरफ, और ये माँ भी पहुँच गई है पुल के इस किनारे। ये रहा सम्राट होटल, और इसी होटल की वजह से आगे 3-4 पुल बन रहे थे, और वो पुल भी अब बंद हो गए हैं करोड़ों अरबों रुपया खर्च होने के बाद। और अगर ये सम्राट होटल ना होता यहाँ पे, तो वो पुल ना बन रहे होते, वो सड़क सीधे इधर से होते हुए इस मल्यासु की तरफ से होते हुए इस तरफ पुल बनता, और यहाँ से होके जो मेन हाईवे है वहाँ टच होता। जिंदगी एक सफर है सुहाना, कल क्या होगा किसने जाना। तो गाइज मैं पहुंच गया हूँ अलकनंदा नदी के ठीक ऊपर वाले झूला पुल पे, और ये झूला पुल पूरा लोहे से बना हुआ है, और लोहे से ही बना हुआ होता है झूला पुल भी आजकल का, लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा फिसलन है, और यहाँ तक गाड़ी ला सकते थे, लेकिन ये जो सड़क है ना, ये बना रखी है ना, इसमें भी रेत ज़्यादा दिख रही है, सीमेंट कम दिखाई दे रहा है, तो मैं इसलिए नीचे गाड़ी नहीं लेके आया। तो फिलहाल तो अब श्रीनगर से होते हुए जाएंगे, और दिवाली का सामान भी ले जाएंगे, आज लक्ष्मी पूजा है। तो सबसे पहले आप सभी को भाई दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएँ, पटाखे आराम से जलाएगा।